और मेरे प्यारे भाई लोग, क्या हाल चाल है गाइस? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, फुल मस्ती करेंगे। सो गाइस, फाइनली अपने गेम के अंदर एक और नया ईवो बंडल आ चुका है जो कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड यस गाइस, अगर आप लोग इस वाले बंडल को निकालने जा रहे हो सो इस वीडियो को देखना, पूरा का पूरा देखना कंपलसरी है गाइस। अगर आप लोग निकालने जा रहे हो ना, देन अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है निकालने जा रहे हो तो प्लीज यार इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस वीडियो को देखना। सो पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो याद से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो पहले तो मैं स्पिन करता हूं एंड बताता हूं कि टोटल कितना डायमंड्स लग रहा है। ओके, सो मैंने यहां पर पहला स्पिन मारा एंड देखते हैं क्या कुछ निकलता है। एक टी शर्ट निकला है, चलो ठीक ठाक ही है 9 डायमंड्स के अंदर। एंड उसके बाद ओके करते हैं एंड देखते हैं 19 डायमंड्स में क्या निकलेगा। एंड मुझे नहीं लगता कि यार लास्ट स्पिन से पहले निकलेगा। सो पहले तो ये चीज देख लेते हैं कि टोटल कितना डायमंड्स लग रहा है। एंड उसके बाद कुछ और चीजें जो कि आप लोग को दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यस गाइस, यहां पर मैंने किया एंड एक पैंट निकला है, चलो ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एंड 39 डायमंड्स की एक और स्पिन मारते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकलता है यहां से। सो यहां पर बैकपैक की स्किन निकली है, चलो कोई ना, ये भी अच्छी बात है, सह लेंगे थोड़ा सा। एंड उसके बाद 69 डायमंड्स की बारी है। सो 69 डायमंड्स का मैंने स्पिन किया एंड यहां पर सर्फ बोर्ड निकला जो कि एक नॉर्मल सा है, ना ही लेजेंडरी वगैरह कुछ है, चलो ठीक ठाक ही है। एंड उसके बाद 99 डायमंड्स का स्पिन किया एंड उसके बाद क्या कुछ निकलता है यहां पर। ओ भाई साहब, यहां पर देखो गाइस, पेट तो निकल गया लेकिन पेट ही अपने पास नहीं है भाई, स्किन का क्या करेंगे, चलो कोई ना भाई, सह लेंगे ये भी। 149 डायमंड्स का स्पिन किया एंड उसके बाद ओ भाई साहब, गाइस देखो 149 डायमंड्स के एक डायमंड रॉयल के सिर्फ वाउचर मिले भाई, मतलब देख रहे हो। एंड उसके बाद 199 डायमंड्स का स्पिन किया, अगर इस बार नहीं निकला तो भाई लूटा जाऊंगा। ओके, तो यहां पर नहीं निकला एंड लूटा गया। यहां पर 499 डायमंड्स का एक स्पिन करता हूं एंड यहां पर निकल चुका है फाइनली। ओके, एंड मेरे पास डायमंड 3920 है जो कि 5002 थे, तो लगभग वही 1080 के आसपास निकले, मतलब लग गए हैं। ओके, तो यानी समथिंग 1100 डायमंड्स लग ही गए हैं। ओके, सो ये आप लोग खुद ही देख लो, 1082 लगे हैं। ओके करेक्ट, सो 1100 डायमंड्स लगभग लग चुके हैं। ओके, ये चीज आप लोग देख लो एंड जब आप लोग इसे निकाल लोगे उसके बाद आपको जाना है कस्टमाइज में। ओके, यहां पर मैं कस्टमाइज में चल के दिखाता हूँ। देखो गाइज, यहां पर कुछ अलग ही सीन है। ओके, और टाइम आप लोग ईवो बंडल निकालते तो सारी की सारी चीजें अनलॉक हो जाती थी, बट इस बार क्या है कि पहले तो आपको एक नॉर्मल सा बंडल मिलेगा एंड उसके बाद इन सब को अनलॉक करने के लिए आपको टोकन्स की जरूरत पड़ेगी। यस गाइस, 100 टोकन 160 टोकन 160 टोकन 160 टोकन। ओके, सबको अनलॉक करने के लिए ऐसे ही कुछ है। एंड बाकी नीचे आप लोग देख पा रहे इमोट्स वगैरह भी लॉक है एंड जो एक्स्ट्रा इफेक्ट वगैरह है वो भी लॉक है, तो वो कैसे खुलेगा वो सारी चीज आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, ये वाला एक एनिमेशन है, जब आप लोग किसी के लॉबी में घुसोगे आपका प्रोफाइल इंस्पेक्ट करेगा तो वैसा दिखेगा। एंड उसके बाद ये इमोट है ग्रुप वाला जो कि आप लोग देख पा रहे हो, एंड एक इमोट है जो कि सिंगल बंदा कर पाएगा। ओके, ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया एंड देखो ये सारे के सारे बंडल से जो कि अनलॉक करने हैं। चलो अब बात कर लेते हैं कि भाई ये सारे के सारे इमोट्स आप लोग कैसे अनलॉक कर पाओगे। तो देखो गाइज, आपको इन सारे के सारे, जैसे ये वाला एनिमेशन है, इसे अनलॉक करने के लिए आपको इन बंडल में से कोई दो बंडल को अनलॉक करने पड़ेंगे, यानी कोई सा भी दो बंडल आपको अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ये एनिमेशन ले पाओगे। ओके, एंड उसके बाद बात करें इस वाले इमोट के लिए, तो आपको कोई एक बंडल अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग ये वाला इमोट ले पाओगे। एंड ये वाले इमोट के लिए आपको किसी तीन बंडल को अनलॉक करना पड़ेगा, फिर इसे अनलॉक करने के लिए टोकन टोकन और इसके लिए भी टोकन की जरूरत पड़ेगी, एंड इसके लिए आपको कोई चार बंडल यानी पूरा का पूरा बंडल आपको अनलॉक करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप लोग इन सब को ले पाओगे। एंड यस गाइस, बात करें टोकन की तो भाई आपको चल के भी दिखा देता हूं टोकन का कितना ज्यादा, मतलब भाई ये आपको दिखा देता हूं। ओके, स्टोर के अंदर चलते हैं एंड यहां पर आइटम के अंदर चलते हैं एंड एक टोकन का कीमत जो है वो 10 डायमंड्स है। एंड अगर मैं एक नॉर्मल सा भी बंडल खोलूं यानी सबसे पहले वाला, उसके लिए भी मुझे लगभग 1000 डायमंड्स लगेंगे। एंड अगर आपके पास कूपन है देन -100 का लगा सकते हो, तो आपको लगभग 900 डायमंड
डायमंड्स में एक बंडल अब अनलॉक होगा। एंड अभी जो आपको फेडेड व्हील से मिला है वो एक नॉर्मल सा बंडल मिला है। एंड अगर आप लोग लेजेंडरी बंडल लेना चाहते हो देन अब आपको टोकन्स की जरूरत पड़ेगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर मिलते हैं।